राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लड्डू गोपाल को नहलाने जा रहे हैं। आज जन्माष्टमी है तो हम आप लोगों को नहला के दिखाएंगे और साफ एकदम साफ कर देंगे। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी साफ हो गए हैं। तो पहले ऐसे थे, पीला, एकदम पीलापन हो गया था और कभी भी हमने नींबू दही से नहलाया नहीं था, लेकिन आज साफ सफाई करके दिखाएंगे। तो इनको आराम आराम से, प्यार से लड्डू गोपाल को हल्के हल्के से इस तरीके से इनको दही और नींबू लिया है हमने। तो दही और नींबू से इस तरीके से चारों तरफ से लगाते हुए और साफ करेंगे, इनको नहला देंगे। और बिल्कुल ही चमक जाते हैं, ऐसे तो नहलाते हैं दूध दही रस और पांच चीज़ों से ये। लेकिन अभी हम इनकी सफाई कर रहे हैं, अच्छे से इनको नहलाएंगे। तो इनको देखो अच्छे से रगड़ दिया है दही और नींबू से और कितना अच्छे चमक गए देखो। आराम आराम से हमने चारों तरफ से इनको साफ कर दिया है लड्डू गोपाल को, और देखिए कितने सुंदर चमक गए हैं। और लड्डू गोपाल जी को प्यार प्यार से इनको साफ कर दिया। तो इसी तरीके से जिनके जैसे लड्डू गोपाल काले पड़ जाते हैं, किसी किसी के तो बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं, तो उनको इसी तरीके से अच्छे से रगड़ के और आराम से साफ कर सकते हैं। और उसके बाद में श्रृंगार करेंगी हमारी बिटिया, वही लड्डू गोपाल की ज़्यादा सेवा करती है, सब कुछ वही करती हैं। तो इनका श्रृंगार करेंगी घर के सामानों से ही। बोल रही थी मम्मी मंगा दो कुछ मेकअप का सामान इनके लिए, लेकिन देखते हैं, लेकिन आ तो पाएगा नहीं आज, इसलिए इनका श्रृंगार जो घर में चीज़ें हैं उन्हीं से करेंगी। तो हम आप लोगों को दिखाएंगे। और आज जन्माष्टमी है तो मंदिर भी सजाना है और इनके लिए अच्छे अच्छे पकवान भी बनाना है। अभी तो इनको सुबह नहलाया था, खिला पिला दिया, उसके बाद में इनको दोबारा से नहला दिया, रात में एक बार और नहला देंगे। आज तीन बार लड्डू गोपाल जी नहाएंगे। तो इस तरीके से नींबू लगाते हुए और दही अच्छे से साफ कर दिया है और सुंदर सी ड्रेस पहनाएंगे जो इनकी मौसी ने भेजी थी आज। और देखिए कितने अच्छे सुंदर लगने लगे खूब। और जब भी आप लोग परेशान होते हैं तो लड्डू गोपाल को गोदी में लेके बैठें, थोड़ा सा उनको पुचकारें तो बहुत ही अच्छा लगता है। और जो भी समस्या होती है, जो भी हम लोग को परेशानी होती है, सारी एकदम ख़त्म हो जाती है। यही लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं था और ऐसे ही परेशान थे। तो लड्डू गोपाल को प्यार प्यार से अपनी गोदी में लेके बैठें। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को हमने नहला दिया है जल से, और अभी इनके लिए सामान लेने जाएंगे, पूरा सजावट करेंगे। देखते हैं मंदिर में करते हैं कि कहीं अलग करें। और इनको अच्छे से पोछ लेना है, यहाँ पे पानी लगा रह जाएगा, वहाँ पे काला काला सा पड़ जाता है कभी कभी। तो इनको अच्छे से इनको पोछ लेंगे, पानी ना लगा रह जाए। तो देखिए कितने अच्छे लड्डू गोपाल हमारे चमक गए हैं। और इसी तरीके से आप लोग भी साफ करते हैं, दो तीन मिनट का काम है। तो ये लड्डू गोपाल हमारे चमक गए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। इसी तरीके से आप लोग भी चमका सकते हैं। और अभी हमें बहुत सारी तैयारी करनी है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।